बुधवार को दिल्ली के अस्पताल में मृतक शहीद के परिजनों को राहुल गांधी से न मिलने देने और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाने को लेकर पुलिस और कांग्रेसियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। गुरुवार को बलरामपुर के वीर विनय चौराहे पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। पुतला जलाने के दौरान पुलिस प्रधानमंत्री का पुतला कार्यकर्ताओं से छीनने लगी। इसी छीना छपटी में नगर कोतवाल जमीन पर गिर गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर नोकझोंक भी हुई। चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में भी जाकर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। रजनीकांत के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। जल्द ही रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म 2.0 में फैंस को एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आ सकते हैं। रजनीकांत इन दिनों फिल्म इंधीरन रोबोट के सीक्वल 2.0 में काम कर रहे हैं। एस शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा अक्षय कुमार और एमी जैक्सन लीड रोल्स में होंगे। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म रोबोट में रजनीकांत का डबल रोल था। रोबोट के सीक्वल में एक और रजनी को शामिल किया गया है। रजनीकांत ने 80 के दशक में बनी फिल्म जॉन जॉनी जनार्दन में भी ट्रिपल रोल किया था। शंकर ने फिल्म की करीब 95% शूटिंग कंप्लीट कर ली है और इसके बाद फिल्म के इंटरनेशनल वीएफएक्स पर काम शुरू होगा। फिल्म रोबोट में रजनीकांत एक साइंटिस्ट और एक रोबोट के रूप में नजर आए थे, लेकिन इस बार वो एक बैडमैन भी बनेंगे। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ ही अक्षय कुमार भी विलन बनेंगे। जहां एक तरफ प्रदेश के डीजीपी अपने पुलिस कर्मियों को जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने की नसीहत देते हैं, तो वहीं पुलिस कर्मी अपने हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसा एक मामला बहराइच जिले में सामने आया है, जहां पर एक दरोगा को मनमाफी की रिश्वत न देना एक पीड़ित को महंगा पड़ गया। दरअसल यह पूरा मामला यूपी के बहराइच जिले का है, जहां पर जिले के देहात कोतवाली में तैनात एक दरोगा जी को जब मनमाफी की रिश्वत देने में पीड़ित ने असमर्थता जताई, तो नाराज दरोगा जी ने उसके हाथ के दोनों पंजों को मरोड़कर तोड़ दिया और जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, तो पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जांच सीओ को सौंप कर कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि आए दिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। वैसे इस घटना के बाद से पुलिस के कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। यूपी के मऊ में रहने वाले सैनिक रियाजुद्दीन की अंडमान निकोबार में तैनाती के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत उस समय हुई जब वो सेना की एक फायर मार्क ड्रिल को अंजाम दे रहे थे। गैस सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि उनके पिता को हार्ट की बीमारी होने की वजह से उनकी मौत की सूचना नहीं दी गई है। रियाजुद्दीन की मौत की खबर पहुंचते ही उनके गांव में मातम छा गया। बताते हैं कि रियाजुद्दीन का शव कल शाम तक गांव पहुंच जाएगा, लेकिन इस बीच उनके भाई ने उनके पिता को इस बात की जानकारी नहीं दी है, क्योंकि उनके पिता को हार्ट की बीमारी है और उनके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए इस वजह से उनसे ये बात छुपाई गई है। रियाजुद्दीन के परिवार में बेटे के शहीद होने की खबर के बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक रियाजुद्दीन 2002 में सेना में भर्ती हुए थे और इस समय आर्मी के फायर विंग में इनकी तैनाती थी। इस समय DMI की कोर्स की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसके दौरान फायर मार्क ड्रिल देते हुए फायर गैस सिलेंडर फट गया और वो शहीद हो गए। रियाजुद्दीन के 4 भाई और 2 बहनें हैं और वो परिवार में सबसे बड़े थे और इसलिए परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनका छोटा भाई हिजबुल रहमान उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कुशीनगर में तैनात है और दूसरा भाई स्नातक कर रहा है। तीसरा भाई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि 2 बहनें और पिता घर पर रहते हैं। 28 फरवरी 2015 को रियाजुद्दीन की शादी हुई थी और जल्द ही अपने घर छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही देश की सेवा करने में शहीद हो गए। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुलायम सिंह यादव महागठबंधन की कोशिशों में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी अखिलेश की सपोर्ट में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मौकों पर एक दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। RLD के सीनियर लीडर ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा, सपा परिवार में जारी कलह को देखते हुए पार्टी चीफ अजीत सिंह भी मुलायम सिंह के साथ गठबंधन को लेकर सावधान हैं। वहीं BJP के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का कहना है, समाजवादी पार्टी में चल रही पारिवारिक कलह अपने आखिरी पड़ाव पर है, इसका नतीजा चुनाव में हार से चुकाना पड़ेगा। इसकी वजह है कि अखिलेश, मुलायम और शिवपाल तीनों सोचते अलग हैं, लेकिन इनका काम करप्शन को बढ़ावा देना है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं।
अब देखना ये है महागठबंधन की सोचें कितनी कारगर साबित होती है। नहीं थम रहा है पूर्वांचल में मासूमों की मौत का सिलसिला। पूर्वांचल के मासूमों के लिए कहर बन चुकी इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 2 मासूमों की मौत के बाद मौत का आंकड़ा 420 के पार पहुंच गया है। गोरखपुर का यही वो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है जो पिछले 35 वर्षों से हजारों मासूमों की मौत का गवाह बन चुका है। इस साल भी इंसेफ्लाइटिस से जनवरी से अब तक 1600 मरीज यहां भर्ती कराए जा चुके हैं, जिनमें से 423 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 90 से अधिक मरीज अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस बीमारी के लिए कोई रोकथाम के इंतजाम नहीं किए जाते, लेकिन अभी तक इस बीमारी पर रोक लगाना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में जरूरत है तो इसके व्यापक इंतजाम की। अब वो दिन दूर नहीं जब स्कूल में पढ़ने जाने वाला आपका लाडला कानून की धाराओं को जुबान पर याद रखेगा। इसके लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी DIOs को निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ कानून की पाठशाला की शुरुआत करें, साथ ही लॉ बोर्ड भी गठित करें। इन दिनों समाज में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। अपराध की सामान्य घटनाओं के अलावा साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। अपराध के बढ़ते ग्राफ में कमी लाने के उद्देश्य से शासन ने विद्यार्थियों को जागरूक करने और कानून की विभिन्न धाराओं से परिचित कराने के उद्देश्य से कानून की पढ़ाई कराने की योजना बनाई है। लॉ विषय के संबंध में विद्यार्थियों को कानून की धाराओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि विद्यार्थी आपराधिक घटनाओं के बाद होने वाली गतिविधियों को जान सकें। माध्यमिक स्कूलों में लॉ क्लब का गठन होगा। इसमें विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाएगा। क्लब के सदस्य अन्य विद्यार्थियों को समाज में बढ़ रहे अपराध को कम करने के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही क्लब के सदस्य समान कानून की जानकारी विद्यार्थियों को दे सकेंगे। शासन का ये आदेश तो सराहनीय है, लेकिन छात्रों को आपराधिक गतिविधियों से दूरी बनाने के लिए ये योजना कितनी सार्थक काबिल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी प्रधानाचार्यों को धीरे धीरे इससे अवगत कराया जा रहा है। अखिलेश की रथ यात्रा के बाद अब बारी है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 5 नवम्बर से शुरू होने जा रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के पीछे का मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना यही है, का मकसद सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम तय हो गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी रथों को रवाना कर दिया है। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 5 नवंबर को सहारनपुर से होगी। जानकारी देते हुए बताया कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के मुताबिक जनसभाएं करेंगे। 5 नवंबर को सहारनपुर, 6 नवंबर को झांसी, 8 को सोनभद्र और 9 नवंबर को बलिया से यात्रा निकाली जाएगी। इन यात्राओं में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, उमा भारती, ओम प्रकाश माथुर, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। 24 दिसंबर को यात्रा का समापन लखनऊ में होगा, जिसमें सभी बूथों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। अब देखना ये होगा, या यूं कहें कि देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए 2017 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से क्या दोबारा चुनावी पैतरणी पार कर पाएगी। आपों में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी को भी अपना शिकार बना लेना उनके लिए आम बात हो चली है। कभी किसी को राह चलते लूट लिया जाता है तो कभी किसी का कत्ल कर दिया जाता है। एक ताजा मामला सराफा व्यापारी के साथ देखने को मिला है, जिसे सरेरा लूट लिया गया। आपको बता दें कि सराफा व्यापारी तरंग बंसल बिलखुआ मार्केट के सिकंदरा बाग अपनी शॉप आर के ज्वेलर्स पर जा रहा था। नई बिलखुआ के चंडी रोड पर पीछे अज्ञात बाइक सवार बदमाश आते हैं और व्यापारी से हथियारों के बल पर 1.5 किलो सोना और 42,000 रुपए की नकदी लूट कर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई। रोजाना हो रही वारदात और लगातार बढ़ रहे बदमाशों के हौसलों से पुलिस भी कहीं न कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर कब बिलखुआ और हापुड़ जिले के अंदर इस तरह की वारदात पर पुलिस अपना शिकंजा कस पाती है। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यूपी में राजनीति की रंगत बदलती जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन के संकेत देकर पार्टियों में सरगर्मी पैदा कर दी है। पहले मुलायम सिंह यादव के परिवार में आंतरिक कलह के कारण यूपी की राजनीति गरमाई थी और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन के संकेत देकर एक नई सरगर्मी पैदा कर दी है।
वहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता मायावती ने पलटवार किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश के ताजा बयान को समाजवादी पार्टी की मजबूरी बताया है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन चाहती है क्योंकि वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। बहरहाल मायावती ने यह साफ किया है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करेंगी। भले ही उनकी पार्टी छोड़कर कुछ नेता चले गए हैं पर उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने केजरीवाल और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी सफाई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बताया कि प्रदूषण को लेकर उसने गुरुवार को दो मीटिंग्स की हैं। इस बात पर एनजीटी ने कहा कि आप 20 मीटिंग कर लीजिए लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप कोई एक काम बताइए जो आपने प्रदूषण को कम करने के लिए किया हो। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह क्रॉप बर्निंग है। इस पर एनजीटी ने कहा कि क्रॉप बर्निंग के अलावा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कई और वजह भी हैं। क्या आपने उस पर कोई काम किया? 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को अभी तक दिल्ली की सड़कों से क्यों नहीं हटा पाए हैं? एनजीटी ने कहा कि हमने खुद देखा है कि साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण है। डस्ट प्लास्टिक बर्निंग और कूड़े को जलाने को लेकर अभी तक एजेंसी क्या कर रही है? एनजीटी ने यूपी हरियाणा और पंजाब राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण सेक्रेटरी को तलब किया है और कहा कि वो हर हाल में सुनिश्चित करे कि प्रदूषण को कैसे कम करना है। एनजीटी ने इन सभी राज्यों से 8 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि एनजीटी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और 8 नवंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस कड़ी फटकार के बाद क्या सरकारें कोई ठोस कदम उठाती हैं जिससे प्रदूषण कम हो सके। सूबे में कानून व्यवस्थाओं को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों लेकिन आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला इलाहाबाद का है जहां एक मामूली सी वजह पर एक युवक की हत्या कर दी गई। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि सिर्फ एक तमाचा एक युवक की मौत की वजह बन गया। दीपावली की रात जॉर्जटाउन इलाके के सर्वोदय नगर में राजेंद्र की हत्या ईंट पत्थरों से सर कुचल कर दी गई। पुलिस की पूछताछ में हत्या की वजह बाइक टकराने के बाद हुआ विवाद सामने आया है। राजेंद्र की स्कूटी और आरोपी युवक की मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई थी तो राजेंद्र ने युवक को थप्पड़ मार दिया जिससे नाराज रोहित ने अपने साथी को बुला लिया और उसके बाद ईंट पत्थरों से कुचल कर राजेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई ने इस मामले में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने मुखबिरों की सूचना पर रोहित और नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। भले ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो मगर इस तरह छोटी छोटी बातों में हो रहे हत्याकांड ये सवाल जरूर उठाते हैं कि या तो लोगों में कानून को लेकर डर नहीं है या लोगों के दिमाग पर आपराधिक मानसिकता ज्यादा हावी हो रही है। वन रैंक वन पेंशन मामले को लेकर एक पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद देश भर में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ पूर्व सैनिकों ने जहां केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी मामले को पूर्व सैनिकों ने राजनीति का हिस्सा बताया है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहाँ दोनों ही पार्टियाँ हंगामा काट रही है वहीं पूर्व सैनिक संगठन इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। पूर्व सैनिकों की माने तो ये लोग पूर्व सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इस सबसे पूर्व सैनिकों का कोई वास्ता नहीं। पूर्व सैनिक मामले पर केंद्र सरकार को भी घेरते हुए इसको सही तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों की माने तो हालात अब इस तरह बन गए हैं कि पूर्व सैनिकों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले वन पेंशन वन रैंक मामले को लेकर एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद उनके परिजनों से जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया।